मैं यूट्यूब क्यों छोड़ना चाहता हूँ? क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। हेलो गाइस, नमस्कार, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया, मैं यूट्यूब क्यों छोड़ना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 1 साल 5 दिन काम करते हो गया यूट्यूब पर और अभी मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। 1 भी रुपया अर्न नहीं कर पाया यूट्यूब से और मोहल्ला वाले, पड़ोसी वाले, घर वाले, बाहर वाले, कहीं भी ट्रैवलिंग में ब्लॉगिंग करो तो सभी लोग देख के घूरते हैं, ताने मारते हैं, ये क्या वीडियो बना रहा है, पागल हो गया है। तो आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल गया है, सभी लोग पागल ही बोलते हैं भाई वीडियो बनाने वाले को। और मैं 182 वीडियो डाल चुका हूँ 1 साल के अंदर, पर मेरा 4 वीडियो बस केवल के में गया है। एक चित्तौड़गढ़ बांध का 2 के गया है, एक वन प्लस फ़ोन बनकर मेरा आ गया 3.8 के, उस पर व्यूज है। सबसे बड़ी मूर्ति दुर्गा पूजा विसर्जन, उस पर गया है 2000 व्यूज। बस ऐसे ही 3-4 वीडियो मेरा के में गया है और सब 100, 200 व्यूज, 300 व्यूज। काफ़ी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मैं डालता हूँ फिर भी मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। मैं वीडियो बना बना कर थक चुका हूँ और अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों के ताने भी सुन सुन के मेरे कान पकने लगे हैं, इसलिए मैं यूट्यूब छोड़ना चाहता हूँ। मुझे दुकान से टाइम नहीं मिलता है कि अलग अलग जगह जाकर ट्रैवलिंग कर सकूं। मैं यूट्यूब से पैसा भी अर्न करता तो ट्रैवलिंग करने के बारे में सोचता, पर मैं यूट्यूब से भी कुछ भी अर्न नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी कमाता हूं दुकान से ही कमाता हूं, अपना खर्चा निकालता हूं। एक ये छोटी सी स्कूटी है, इसका भी खर्चा रहता है, तेल डालना रहता है, अगर कहीं भी जाना है तो मैं दुकान से ही खर्चा निकालता हूँ और कहीं से मेरे पास इनकम नहीं है, इसलिए मैं केवल यूट्यूब पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। आप लोगों के लिए बस छोटा छोटा वीडियो देता रहता हूँ। मैं भी धीरे धीरे अगर कहीं भी ट्रैवलिंग करने जाऊँगा तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा, इसलिए इस चैनल को मैं चलाता रहता हूँ कि कहीं भी अगर अच्छा वीडियो मैं डालने लगा तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए हर एक वीडियो पर, जिससे मेरा मन लगे रहे। अच्छा, ठीक है। अगर मेरा 500 या 600 व्यूज आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि 500-600 व्यूज लाना बहुत कठिन बात हो गया हर किसी के लिए। मैं देखता हूँ कि जितने भी ओल्ड चैनल हो जाते हैं, 4000-5000 सब्सक्राइबर वीडियो डालते हैं, 30 व्यूज 40 व्यूज पे उनका कहानी खलास हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस चैनल को हमेशा चलाता रहता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ, जिससे कि मेरा चैनल चलता रहे, ट्रेंडिंग में आता रहेगा, तो किसी दिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो मैं यूट्यूब छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ूंगा। आज का जो सोशल मीडिया जमाना है, सोशल मीडिया पर बहुत लोग वायरल हो जाते हैं, उनका लाइफ बन जाता है, पूरे भारत में जानने लगते हैं, तो इसीलिए मैं भी यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन दोस्तों मैं जो भी बना रहा हूं थोड़ा बहुत मेहनत लगता है उसमें भी। एक वीडियो बनाने में 2-3 घंटा लग जाता है। मैं मानता हूं कि आज के सोशल मीडिया पर लोग कॉमेडियन वीडियो, फनी वीडियो और बहुत सारे ट्रैवलिंग वीडियो देखना चाहते हैं, पर मेरे पास अभी ग्रुप नहीं है जिससे मैं कॉमेडियन वीडियो बना सकूं। और अगर ग्रुप कोई मिलता भी है तो अगर 10 दिन काम करते हैं, यूट्यूब पर पैसा नहीं आ रहा यार, बस थक कर बैठ गए, मुड़ नीचे किए, भैया मुझसे नहीं होगा, 10 दिन में कोई पैसा नहीं कमा पाएगा भैया। सोशल मीडिया है, इस पर आप ज़िंदगी बीत सकती है वायरल होने में। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को जानते ही होंगे, आप सभी लोग जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते होंगे, 35-40 साल की उम्र में वो सोशल मीडिया पर आए थे। तो सोशल मीडिया पे आप 1 घंटे में भी वायरल हो सकते हैं, 1 मिनट में भी वायरल हो सकते हैं, 2 सेकंड 1 सेकंड में भी वायरल हो सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप काम करते रहिए, कब किस्मत साथ दे जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सोशल मीडिया कभी नहीं छोड़ूंगा। मजा आया, मेहनत करते रहना है मेरे भाई, किस्मत खुद साथ देगी। कामयाबी के पीछे हर किसी का मेहनत का ही खेल होता है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।